मॉर्निंग क्लास थ्री. आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ. टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश. दिस इज योर इंग्लिश बुक. ओपन योर बुक्स माई डियर स्टूडेंट्स. पेज नंबर 2 to 7. वी रिवाइज आवर यूनिट नंबर 1 अगेन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 2. इन यूनिट नंबर 2 देयर इज अ स्टोरी एंड द नेम वी मस्ट फाइंड वाटर पार्ट 1 एंड वी मस्ट फाइंड वाटर पार्ट 2. पार्ट 2 हम लेक्चर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं. आज हम अपनी यूनिट नंबर 1 की दोबारा से रिविजन करेंगे. इन यूनिट नंबर 1 विच इज मीट द फैमिली वी डन टोटल फाइव लेसन्स. लेसन 1 लिसन एंड स्पीक. लेसन 2 वर्क वर्ड्स फैमिली मेम्बर्स. दिस इज ऑल शॉर्ट एक्सरसाइजेस. लेसन 3 रीडिंग वट आई लर्न अबाउट माई ग्रैंड डैड. दिस इज द स्टोरी अबाउट ग्रैंड डैड. दिस इज द स्टोरी इज बायोग्राफी. बायोग्राफी मीन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन लाइक एजुकेशन वर्क रिलेशनशिप एंड डैड. इसमें राइटर जो है वो अपने ग्रैंड डैड की पूरी लाइफ के बारे में लिखता है, इसलिए इस स्टोरी को बायोग्राफी कहते हैं. बायोग्राफी वो स्टोरी होती है जिसमें किसी भी इंसान की किसी भी पर्सन की जिंदगी के बारे में हो. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, उसने कितना पढ़ा. वर्क, काम क्या करता है. रिलेशनशिप्स, उसके रिश्तों में कौन है एंड डेथ, और उसका हमसे रिश्ता क्या है या इस तरह, और डेथ और मरने तक का पूरा उसका उसकी स्टोरी होती है. देन लेसन 4 इज सेंटेंसेस इन विच वी डू द एक्सरसाइज अबाउट वर्क. वर्क की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उससे हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. कुछ जगहों पे सेकंड फॉर्म इसकी यूज़ हुई है, वो फिर हम कर चुके हैं, दोबारा करेंगे. देन लेसन 5 इज रीडिंग स्मॉल कम्प्रीहेंशन. कम्प्रीहेंशन बच्चों एक पैसेज होता है, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होती हैं. तो लेसन 5 में हमारे पास ये कम्प्रीहेंशन है जो हम अपनी कॉपीज में भी कर चुके हैं. देन वी हैव डिफिकल्ट वर्ड्स. दीज ऑल वर्ड्स कम पार्ट ऑफ आवर रीडिंग. नंबर 1 इज मीट, मिलना. मिस्टर एंड मिसेज वर्ड आएगा. मिस्टर इज़ यूज फॉर द मेल एंड मिसेज यूज फॉर द मैरिड फीमेल. सफ़र, रात का खाना. सी साइड, साहिले समंदर. कोलीग, साथी. प्लीज, हैप्पी. प्रोग्रेस, सक्सेस. वॉर, वॉर इज द वर्ब. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द फर्स्ट फॉर्म इज वेयर विच मीन्स पहनना. ग्रैंड, ग्रैंड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंड मदर. एम्प्लॉयड, मुलाजमत. द डायरी इज लर्न डिक्टेशन वर्ड्स. वर्ड्स मीनिंग्स प्लस वर्ड सेंटेंसेज ऑफ यूनिट 1 मीट द फैमिली which you have all which you have already done in your neat copies. Okay, now come to your books. Page number 2, unit 1, meet the family. Page number 2, in lesson 1, listen and speak. We do dialogue about Mr. and Mrs. Barkey's family and their children. Read the story and answer this question. Where are Mr. and Mrs. Barkey going next weekend? This dialogue is about family's discussion. एक family है Mr. Barkey and Mrs. Barkey के name से. Mr. Barkey जो हैं वो head हैं family के, और Mrs. Barkey जो हैं उनकी wife हैं. ये लोग discuss कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ अपनी अपनी routine. Okay. क्वेश्चन इज मिस्टर एंड मिसेस बर्की ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं वीकेंड में, तो ये अपने बच्चों से इस बारे में बात कर रहे होते हैं. सो नाउ स्टार्ट अवर रीडिंग. इट्स सपर टाइम एट द बर्कीज हाउस इन द कराची. मिस्टर बर्की इज एन इंजीनियर. मिसेस बर्की इज एन आर्टिस्ट. सपर, रात का खाना. रात के खाने का टाइम था मिस्टर बर्कीज हाउस में. बर्की जो है इनका फैमिली नेम है. मिस्टर बर्की जो हैं वो इंजीनियर हैं और उनकी मिसेस जो हैं वो क्या हैं, आर्टिस्ट. सायरा, सायरा इज़ हर और हिज डॉटर. आर यू गोइंग टू टेक अस टू द सी साइड नेक्स्ट वीकेंड. सायरा आस्क फ्रॉम हर पेरेंट्स कि आप हमें साहिले समंदर ले जाएंगे वीकेंड में. मिस्टर बर्की, नो आई कांट. आई एम गोइंग टू नेपाल. आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज इन द हिमालयाज डेयर. सायरा, आर यू गोइंग अलोन. Mr. Barkey, no, I am going with a colleague from work. Mrs. Barkey,
The three of you are going to stay with Dadi and Dada for two nights. Imran is his or her son. He asked from his parents why you are going to Nepal and why we are going to stay with Dada and Dadi for two nights. He asked from his mother. Her mother, what are you going to do? आप क्या करने जा रही हैं? वो अपनी मम्मा से पूछता है. Mrs. Barkey, I am going to paint a family picture for a friend who's got three children. Nadia, can't you come home in the evening? Nadia is her second daughter. She asked from his mother. Sorry, her mother. She asked from her mother. You can't come home in the evening. आप शाम में भी घर नहीं आएंगी. Mrs. Barkey, no. They live right on the other side of the city. वो शहर के बिल्कुल सीधे साइड पे ज़रा दूर रहते हैं. I am going to stay with them. मुझे उनके साथ रहना होगा. Okay. This is all about Mr. and Mrs. Barkey's family discussion. Exercise भी नहीं है. Now let's do our exercise C, which is listen and write the children's ages next to their names. This is done with the help of page number 128. Now come to page number 128, then we do our this exercise. ये हम पहले भी read कर चुके हैं बच्चों. ये दादा एंड दादी के बारे में एक पूरा dialogue है जिसमें वो लोग अपने ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन मतलब अपने बच्चों के नवासों के बारे में बात करते हैं जिसमें उनकी एजेस का पता चलता है. सो दादा, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू अराइव ऑन सैटरडे? दादी, नो, दे आर गोइंग टू कम हेयर ऑन फ्राइडे. दादा, आई कैन नेवर रिमेंबर देयर एजेस. साइरा एंड इमरान आर सेवन. आर नॉट दे? दादी, नो, दे आर एट नाउ. सो वी राइट एट ऑन सायरा एंड इमरान ब्लैंक. देखें यहाँ पे हमने लिख लिया सायरा 8 एंड इमरान इज 8. दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बर्की. द फैमिली स्टार्टेड विद दादा एंड दादी. ओके दादा, सो नादिया इज 6, इज दैट राइट? दादी, दैट्स राइट. सो वी राइट 6 ऑन नादियाज ब्लैंक. दादा, एंड शी इज गोइंग टू बी 7 इन नवम्बर. दादी, वेल डन. दादा, नाउ फाहद इज द सेम एज एज सायरा एंड इमरान. क्या फाहद भी सायरा और इमरान जितना है? दादी, नो, डैट्स दादी, डैट्स राइट, दे ऑल 8. फाहद इज ऑल्सो 8, सो वी राइट 8 ऑन फाहद ब्लैंक्स. दादा, एंड मरियम इज 9 आई थिंक. दादी, नो, शी हैड हर बर्थडे लास्ट मंथ, हर 10th बर्थडे. वो 10 साल की हो गई. दादा, इट्स नो गुड. I remember their ages. Then they have another birthday and I have to remember their new ages. So Saira, Imran and Nadia's all are the children of Mr. and Mrs. Barkey. Maryam and Fahad are the cousins of Saira, Imran and Nadia. Okay, now come to page number 3. In page number 3 we do exercise A and B and C. Exercise A is say these words, circle the two words with different pronunciation with the letter O. So we done it. Two words देखने हैं O pronunciation, लेकिन different हो, O की pronunciation different हो. जैसे कि donkey, O की आवाज़, और money, एक की आवाज़. सो इस तरह की ये हमने डन किया है. लुक एट द फैमिली ट्री इन लेसन 1. लेसन 1 में फैमिली ट्री को देखना है. देन वी यूज दीज वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये सारे वर्ड यूज करके हमने ये फिल करना है. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 4. ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं और यहाँ भी आपको मैंने शो किया है. ओके, नाउ कम टू
our reading which is lesson 3 what I learned about my granddad. ये मैं बोर्ड में आप लोग को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रीड द पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन. वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ग्रैंड डैड, रिच और पुअर, हार्ड वर्किंग और लेजी. स्टोरी को रीड करें और फिर बताएं कि ग्रैंड डैड किस तरह के इंसान थे. अमीर थे, रिच और रिच अमीर और पुअर गरीब, हार्ड वर्किंग सख्त मेहनती थे और लेजी या फिर सुस्त थे. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ग्रैंड डैड विच द राइटर राइट अबाउट हिज ग्रैंड डैड. Granddad was born in 1950 in Northern England. His father worked in the coal mines as a young man, and as a result, his health was poor and he couldn't work. My grandfather died at the age of 47 when grandfather was only 11. Granddad left school at the age of 14 and began work. Luckily, he was given a job by his uncle, who ran a small stationery and printing company. ग्रैंडडैड जो थे वो 1950 में पैदा हुए नॉर्दर्न इंग्लैंड में, इंग्लैंड के शुमाल में. हिज फादर वर्क, जब ग्रैंडडैड पैदा हुए तब उनके बाबा कोल माइंस में काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हुई और वो 47 एज में फोत हो गए. इस तरह ग्रैंडडैड जो है 11 साल के थे कि उनकी बाबा की डेथ हो गई. ग्रैंडडैड फिर जब 14 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बाबा नहीं थे, बाबा फोत हुए उनकी, तो उनके स्कूल का ख़र्चा नहीं पूरा होता था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम करना शुरू किया. खुशकिस्मती से उनके चाचा ने, जो उनके चाचू थे, उन्होंने उनको काम दिया, जिनकी एक स्टेशनरी की शॉप थी और एक प्रिंटिंग छोटी सी कंपनी थी. स्टेशनरी की मीनिंग्स बच्चों, जो आप लोग के पास ये बोल्ड में लिखी हुई जितनी भी चीज़ें आप लोग के पास आएंगी, इसको अंडरलाइन करें. पेज नंबर फाइव एक्सरसाइज डी में इनकी मीनिंग्स हैं. कोल माइंस, जैसे कि फर्स्ट वन इज कोल माइंस, प्लेस वेयर पीपल डिग फॉर कोल, वो जगह जहाँ पे लोग कोयले को खोदते हैं उसको कोल माइंस कहते हैं. स्टेशनरी, राइटिंग मटेरियल्स लाइक एनवेलप्स एंड नोटबुक्स. सो आई ऑलवेज न्यू डैट ग्रैंडडैड वॉज वर्क हार्ड बिकॉज ही टोल्ड मी वन इवनिंग अ वीक आई यूज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी. यहाँ पे राइटर अपने दादा के बारे में कह रहा है कि मैं पहले से जानता था कि मेरा ग्रैंडडैड जो है वो बहुत ही मेहनती है. एक शाम को, हफ्ते की एक शाम को, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाचा की कंपनी में अकाउंटेंसी को, मतलब अकाउंटेंसी हिसाब किताब का काम मेरे हाथ में है. अकाउंटेंसी की मीनिंग्स बिजनेस नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, हिसाब किताब का काम. माई अंकल वॉज सो प्लीज विथ माई प्रोग्रेस डैट ही गेव मी अ फुल टाइम जॉब ऑन माई 80th बर्थडे. जब मैं 18 साल का हुआ तो उसमें मुझे गिफ्ट में, एज अ गिफ्ट, मेरे चाचा ने फुल टाइम जॉब दी. आई ऑफन आस्क हिम अबाउट, अगेन राइटर यहाँ पे कह रहा है, आई ऑफन आस्क हिम अबाउट हिज स्कूल डेज इवन दो आई हेयर द स्टोरीज मैनी टाइम बिफोर. मैं उनसे उनके स्कूल के बारे में उनकी स्टोरीज सुनता था, अगरचे मुझे मैं कितनी बार सुन चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छा लगता था कि मैं ग्रैंडडैड से उनकी स्कूल के दिनों के बारे में पूछूँ. एट ब्रेक टाइम, यहाँ से ग्रैंडडैड बता रहे हैं, अपनी स्टोरी सुना रहे हैं. एट ब्रेक टाइम ईच चाइल्ड हैड अ स्मॉल ग्लास बॉटल ऑफ फ्री मिल्क. ग्रैंडडैड कहते हैं हर एक बच्चे को फ्री मिल्क मिलता था ब्रेक में. वी वर ऑफन वेरी कोल्ड, हमें अक्सर सर्दी लगती थी. एज़ वी वॉर, यानी एज़ वी वेयर, हम पहनते थे शॉर्ट ट्राउजर विथ लॉन्ग सॉक्स. इन द विंटर ऑफ 1963 द स्नो स्टेड ऑन द ग्राउंड फॉर द 3 months. द लेक इन द पार्क फ्रोज. सो सम एडवेंचरस मीन्स इफ यू डूइंग एक्साइटिंग न्यू थिंग्स यू आर एडवेंचरस. जब आप कोई न्यू काम करने में आपको मज़ा आता है तो यू आर एडवेंचरस. सो सम एडवेंचरस बॉयज पुट ऑन आइस स्कैट्स एंड स्कैटेड ऑन इट. I only had one school shirt because my mom had very little money. If I dirtied my shirt, mom used to wash it in the evening and I had to put it on the morning, still damp. Brr. Granddad अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि 1963 में बर्फ़ पड़ी थी तो वो जमी रही, और इस तरह लेक में जो है वो बर्फ़ जमने से जो एडवेंचरस, जो कुछ बॉयज़ थे जो हर तरह की काम करने में उनको मज़ा आता था, उन्होंने स्केटिंग की. इस पे मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास एक ही शर्ट थी, अगर वो गंदी हो जाती तो मेरी मदर उसको शाम को धोती तो वो सुबह तक सूखता नहीं था. तो सर्दियों में ऐसे ही होता है ना बच्चों के कपड़े नहीं सूखते, तो वो मैं जब सुबह गीला पहनता था तो भुड़की, स्लाइट डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट.
हल्का सा नम होता है गीला, तो एक आवाज़ सी निकलती है, इंसान का जिस्म काम उठता है जब कोई ठंड चीज़ पहने। आई नेवर आस्क माई मदर फॉर पॉकेट मनी, मैंने कभी भी अपनी माँ से पॉकेट मनी मीन्स मनी डैट पेरेंट्स गिफ्ट टू देयर यंग चिल्ड्रन। पॉकेट मनी वो पैसे होते हैं जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को देते हैं, लेकिन ग्रैंडडैड कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी अम्मी से पैसे नहीं लिए। एज आई न्यू शी डिडंट हैव एनी स्पेयर मनी, एज सून एज आई रीच माई 12th बर्थडे आई स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर राउंड, दैट इज़ आई डिलीवर्ड न्यूज़पेपर टू मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द 6th स्ट्रीट नियर माई होम। ग्रैंडडैड कहते हैं कि जब मैं 12 साल का था तो 11 साल की उम्र में उसके बाबा की डेथ हुई, 12 साल में उन्होंने न्यूज़पेपर देना शुरू किया, सिर्फ अपनी ही गली में अपनी ही सिटी अपने ही घर के आसपास देते थे और इस तरह वो पैसे कमाते थे। बिफोर आई वेंट टू स्कूल, और स्कूल जाने से पहले मतलब सुबह स्कूल जाने से पहले वो ये काम करते थे। आफ्टर 2 ईयर्स आई सेव इनफ मनी टू बाई माई सेल्फ अ सेकेंड हैंड बाईसाइकिल, 2 साल के बाद मैं इस काबिल हुआ, मैंने इतने पैसे जमा किए कि मैं अपने लिए एक सेकेंड हैंड बाईसाइकिल लिया मैंने। फ्रॉम देन ऑन उसके बाद से आई यूज़ टू डू ऑड जॉब्स, उसके बाद से मैंने ऑड जॉब्स मतलब पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू किया। पार्ट टाइम जॉब मतलब सुबह स्कूल जाते थे और उसके बाद वो दोपहर के बाद वो काम करते थे। वेन एवर आई कुड लाइक वॉशिंग कार्स सम टाइम आई डिड जॉब फॉर फ्री, आई रेगुलरली डिड द शॉपिंग फॉर माई ग्रैंड मदर हु लिव्ड टेन मिनट्स वॉक अवे, जो हमसे 10 मिनट ग्रैंड मदर जो हैं वो हमसे 10 मिनट दूर रहती थी, मैं उनके लिए चीज़ें लेकर जाता था। शी नेवर ऑफर्ड मी मनी, उन्होंने कभी मुझे पैसे नहीं दिए, बट सम टाइम शी गिव मी अ जिंजर बिस्किट वैन आई केम बैक फ्रॉम द शॉप, लेकिन मैं जब काम से वापस आता था तो वो मुझे जिंजर की बिस्किट देती थी। जिंजर जो है वो अदरक को कहते हैं। सिंस दोज डेज आई हैव ऑलवेज बीन केयरफुल विथ मनी, इन दिनों में पैसों से बहुत ही एहतियात से काम लेता था। आई एम नाउ द बॉस ऑफ द सेम प्रिंटिंग कंपनी वेयर आई स्टार्टेड वर्क, कहता है अब मैं जो हूँ उसी कंपनी में जहाँ से मैंने काम शुरू किया था, जो प्रिंटिंग कंपनी जो चाचा की थी उसकी उसका मैं बॉस बन चुका हूँ। आई एम्प्लॉय 6 पीपल, मैंने 6 लोगों को मुलाजमत दी, एंड अ यंग मैन विल स्टार्ट वर्क व्हेन ही फिनिशेस स्कूल दिस समर, और मैंने उन सारे जवान लड़कों को काम दिया या आदमियों को काम दिया जिन्होंने इस साल अपना स्कूल ख़त्म किया। एंड सो ऑन लाइफ गोज ऑन, और इस तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही आगे। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस हम डन कर चुके हैं। पेज नंबर 6 पे आ जाएं, लेसन नंबर 4, सेंटेंसेस से आस्क एंड स्पीक एंड टॉक, दीज ऑल आर वर्ब्स, इनकी सेकेंड फॉर्म है से की सेकेंड फॉर्म सेट, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, टॉक की सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड्स, जिस वर्ड में एक्शन शो हो रहा हो वो हमारे पास काम करने का बता रहे हो या हो रहा हो काम, तो वो वर्ब होता है। दिस ऑल एक्सरसाइज इज़ डन, एक्सरसाइज भी नहीं है, एक्सरसाइज सी हमने कॉपी में किया है, ये सेंटेंसेस को हमने करेक्ट करके लिखना है। Now come to page number 7, comprehension, we do it on our neat copies. Okay, यहाँ पे हमारा lecture number 7 ख़त्म होता है। Lecture number 8 हमारा Tuesday को होगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Goodbye, Allah Hafiz.